क्यों श्री कृष्ण की पत्नी माता रुक्मणी को बदलना पड़ा था संसार में चलने वाला जीवन और मृत्यु का अंतहीन चक्र। ये रहस्य जुड़ा है महाराष्ट्र की कृष्णा नदी के किनारे रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार से। इस परिवार में वो ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसका बेटा और बहू रहते थे। ब्राह्मण की बहू का नाम था सखुबाई। सखुबाई जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नम्र और सरल हृदय की थी, उसकी सास ससुर और पति उतने ही दुष्टा, अभिमानी, कुटिला और कठोर थे। सखुबाई को एक वक्त बचा कुचा खाना दिया जाता। शरीर की क्षमता से ज्यादा वो में काम करती थी। दिन में कई बार उसके पति, ससुर, सास द्वारा उसे पीटा जाता, उसे अपशब्द कहे जाते, पर सखुबाई मन ही मन हर पल श्री कृष्ण को धन्यवाद करके खुश होती, क्योंकि इस नर्क जैसे जीवन के कारण ही वो दिन रात विठल श्री कृष्ण का नाम लेकर उन्हें याद कर पाती थी। यदि उसका ससुराल बहुत अच्छा होता तो वो उन्हीं के प्यार में फंस कर अपना जीवन बर्बाद कर लेती। एक दिन एक पड़ोसन ने सखुबाई की ऐसी दशा को देख कर कहा, क्या तेरे पिता के घर में कोई नहीं है जो तेरी खोज खबर ले? उसने कहा, मेरा मायका पंढरपुर है, मेरे माँ बाप रुक्मणी कृष्ण हैं, द्वारका में उनका बड़ा परिवार है, इसलिए शायद मुझे याद करने में वो देर लगा रहे हैं, पर एक दिन वो मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख जरूर दूर करेंगे। एक दिन सखुबाई कृष्णा नदी से पानी भरने गई, तभी उसने देखा कि भक्तों के दल नाम कीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहे हैं। उसके भी पंढरपुर जाने की इच्छा हुई, पर घर वालों से आज्ञा का मिलना असंभव जानकर वो इसी संत मंडली के साथ चल दी। ये बात एक पड़ोसी ने उसकी सास को बता दी तो सखुबाई का पति उसे घसीटते हुए घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया। आज पहली बार सखु ने प्रभु से रो रो कर प्रार्थना की कि क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे? मुझे मृत्यु से डर नहीं है, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। सखु की पुकार को सुनकर श्री कृष्ण एक स्त्री का रूप बनाकर उसके पास आकर बोले, मैं तेरे जगह बंध जाऊंगी, तू चिंता मत कर। ये कहकर उन्होंने सखु के बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। इधर श्री कृष्ण ने खुद सखुबाई का रूप ले लिया और सास ससुर रोज उनके पास जा जाकर खरी खोटे सुनाते, उन्हें मारते तो वो सब सह जाते सखु के लिए। यहाँ सखु बने श्री कृष्ण को ऐसे ही बने 2 हफ्ते हो गए तो उसकी ऐसी दशा देखकर उसके पति का दिल पिघला। उसने सखु से क्षमा मांगी और स्नान करके भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का बना भोजन खाकर सखु के सास ससुर पति के पाप धुल गए और उनका मन क्रूरता के जगह प्रेम और दया से भरने लगा। उधर पंढरपुर में सखु ये भूल ही गई कि उसकी जगह दूसरी स्त्री बंधी है। उसका मन वहाँ ऐसा लगा कि उसने प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण है वो पंढरपुर में ही रहेगी। प्रभु के ध्यान में उसकी समाधि लगी और शरीर अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उसे मृत समझकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इधर माता रुक्मणी को चिंता हुई कि मेरे श्री कृष्ण सखु की जगह पर बंधे हुए हैं, श्री कृष्ण अपनी कोई लीला श्री रुक्मणी की सहायता के बिना पूरी कर ले, ये तो संभव हो ही नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्ण और सखुबाई दोनों की रक्षा करने देव रुक्मणी को ही आगे आना पड़ा। माँ रुक्मणी शमशान पहुंची और सखु की अस्थियों को एकत्रित करके पहली बार प्रकृति के नियम के खिलाफ जाते हुए उन्होंने सखुबाई को जीवित कर दिया। श्री रुक्मणी महालक्ष्मी को देखकर सखु उनके चरणों में गिर गई। उन्होंने सखुबाई से कहा कि तुम्हारे जीते जी पंढरपुर से ना जाने की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, ये तुम्हारा नया जन्म है, अब तुम वापस अपने घर जाओ। उसके ससुराल लौटते ही श्री कृष्ण गायब हो गए। सखु जब घर पहुंची तो सास ससुर पति के स्वभाव में परिवर्तन देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन पंढरपुर से एक ब्राह्मण सखु के मरने का समाचार सुनाने उसके ससुराल आया और सखु को काम करते देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सखु के ससुर से कहा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। पर पति ने कहा, सखु तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूत से ऐसा कहते हो। जब सखु से पूछा तो उसने प्रभु की सारी लीला उन्हें सुना दी। तब सभी को अपने कुकृत्यों पर बड़ा पश्चाताप हुआ। अब सब कहने लगे कि निश्चित ही वह साक्षात लक्ष्मीपति थे, हम बड़े ही नीच और भक्तिहीन हैं, हमने उनको ना पहचान कर बांधे रखा, मारा, काम कराया और ना जाने क्या क्या। अब तीनों के हृदय शुद्ध हो चुके थे और उन्होंने सखुबाई के साथ सारा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।